चलो चलते हैं अपनी मौज में कहीं, फिर से इस उथल पुथल से बहुत दूर कहीं, जहां गिरता हो सूरज तो आसमां रंग जाए, जहां खिलते हो तारे तो काला आसमां चमक जाए, आग से हाथ सेकें हाथों को आपस में मलते हुए, मुंह से धुआं फेंकें बातों को करते हुए। शुक्रिया शुक्रिया। लकड़ियों की जलती महक इत्र सी लगे, आग की लपटें हल्की हवा से अपनी मस्ती में नाचती सी लगे, ठंडक हवा की गालों को छू जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ सुन्न सा हो गया है, रगों में बहता खून कुछ ठंडा सा हो गया है। बेफिक्र होकर बाहें खोलूं तो हवा गले लगा जाए, और सर्दी से ठिठुरूं तो चादर सी उड़ा जाए, चमकते तारों में जलती आग से सब जगमग हो जाए, मन की परेशानी बस गिरते झरने सी बह जाए। अब क्या गलत क्या ही सही, चलो चलते हैं अपनी मौज में फिर से कहीं, इस उथल पुथल से बहुत दूर कहीं। शुक्रिया। ये छोटी सी शायरी कह लें या फिर नज्म कह लें, आप इसको कुछ भी पुकार सकते हैं। ये मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं उस फेज़ में था और जब मुझे लगता था कि मैं कुछ कह भी पाऊंगा या नहीं, कभी मैं बहुत अनएक्सप्रेसिव हो गया था, एक्सप्रेशनलेस हो गया था उस फेज़ में, तो ये बस उसी वक्त लिखा था। ऐ ज़िंदगी कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ तुझसे, ऐ ज़िंदगी कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ तुझसे, बस रुक जाता हूँ ये सोच के कि कहीं तुम उससे खफा ना हो जाए। थैंक्स।